तो चलिए दोस्तों, आज आप सभी के सामने एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है। इस जॉब वैकेंसी के लिए कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैड ओवर मेकिंग। मेरा नाम पीयूष बंसल है और आज आप सभी के सामने एंजल ब्रोकिंग की साइट से आने वाली टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी लेके आया हूँ। इस जॉब वैकेंसी के लिए कोई भी फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड मेल फीमेल कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द जॉब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोकेशन एंड सैलरी, और हम लोग देखने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं इस जॉब वैकेंसी के लिए, और सबसे लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे और कहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा एंजल ब्रोकिंग के बारे में बता देता हूं। एंजल ब्रोकिंग इज एन इंडियन स्टॉक ब्रोकर फर्म एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1987। द कंपनी इज अ मेंबर ऑफ द एनएसई, बीएसई, नेशनल कॉमोडिटी एंड द डेरिवेटिव एक्सचेंज एंड द मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विद द सीडीएसएल, दैट इज द सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। नेक्स्ट, द कंपनी हैज मोर देन 8,500 रजिस्टर्ड सब ब्रोकर्स एंड फ्रेंचाइजी आउटलेट इन मोर देन 900 सिटीज अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव इन एंजल ब्रोकिंग। टू कनेक्ट विद द प्रोस्पेक्ट्स एंड क्लाइंट्स, आपको कुछ लीड्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, उन लीड्स पर आपको कॉल करना रहेगा। कॉल करने के बाद आपको उनको एक तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। उन लीड्स पर आपको कॉल करके आपको उनको कन्विंस करना रहेगा उनको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। कनेक्ट एंड फॉलो अप द लीड्स असाइन टू जनरेट द क्लाइंट एक्विजिशंस एंड ओपन द ऑनलाइन डीमैट एंड द ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करना रहेगा। एंड सॉल्व एनी क्वेरीज फॉर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट, अगर वो कोई भी क्वेरी या कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हैं अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए तो आपको उसको क्वेरी को रिजॉल्व करना रहेगा। आपको एक तरीके से कस्टमर को असिस्ट करना है, पहले कस्टमर को लेके आना है फिर देन उसको असिस्ट करना है जब तक उनका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हो जाता। एंड आफ्टर द डीमैट अकाउंट अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पज तो वो क्वेरीज भी आपके पास आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है अचीव द असाइंड टारगेट फॉर द क्लाइंट एक्विजिशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन कैंडिडेट इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, तो अगर आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप है तो आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है सैलरी और क्या रहेगी और लोकेशन क्या रहेगी। सैलरी की अगर बात कर लेते हैं तो 2 लाख to 2 लाख 50,000 आपकी फिक्स्ड सैलरी रहने वाली है। उसके अलावा आपको टारगेट बेसिस के इंसेंटिव्स रहेंगे और कुछ पर्क्स और बेनिफिट्स अदर देन दैट सैलरी भी रहेंगे। आप लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपकी वर्क फ्रॉम होम लोकेशन रहेगी। नेक्स्ट आते हैं क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर द पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ जॉब वैकेंसी। अगर हम इस जॉब वैकेंसी के लिए बात करते हैं तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये जनरली पूछा जाता है और इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नॉट ओनली फॉर दिस जॉब, किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपने बारे में कुछ 3 से 4 मिनट बोलना होता है, तो वो आपको प्रिपेयर कर लेना है, वो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ फॉर द पर्टिकुलर दिस जॉब रोल, व्हाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एज अ टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए बात करते हैं तो टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव में ही क्यों आप वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ अच्छाइयां जो इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए हो सकती हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है और प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट बात आती है हाउ विल यू स्टार्ट अ सेल कन्वर्सेशन विद द कस्टमर। सेल कन्वर्सेशन है, सेल करनी है तो कस्टमर के साथ कैसे आप अपना इंटरेक्शन, कैसे अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक मॉक कॉल भी आपका हो सकता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट आता है हाउ विल यू फेस द रिजेक्शन ऑफ द कस्टमर्स। आप दिन में 100 कॉल्स करेंगे तो हार्डली 1 से 2 कस्टमर को आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा पाएंगे, तो बहुत रिजेक्शंस बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो इसको लेके भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप उस रिजेक्शन को कैसे फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट आता है वाई शुड वी हायर यू और वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, हाउ विल यू एस्टैब्लिश द ट्रस्ट अमंग द कस्टमर्स। क्योंकि आपको सेल करनी है तो पहले कस्टमर के साथ में इस तरीके का रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्ड करना रहेगा, देन ओनली ही विल बी रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट और देन ओनली ही विल बी कम्युनिकेट विद यू फर्दर। तो आपकी पहले की 2 मिनट इस तरीके से होनी चाहिए कि जिससे कस्टमर आपके साथ कन्विंस हो जाए अपने फर्दर 10 मिनट्स बात करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे आप इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। naukri.com से अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि naukri.com से बहुत सिंपल तरीके से आप इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ओके सो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, बट आपका जो ऑफिस है जिसके लिए आपको रिपोर्ट करना है वो जयपुर का है, और आपकी वर्क लोकेशन जहाँ से आपको काम करना है वो वर्क फ्रॉम होम रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। नेक्स्ट आपके लिए एक्सपीरियंस क्राइटेरिया 0 to 2 years, इट मीन्स फ्रेशर्स कम्प्लीटली इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के लिए 2 lakh to 2 lakh 50 thousand, दैट इज द फिक्स्ड सैलरी, और वी कैन से सैलरी इन हैंड। यहाँ पर इनका ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, अगर आपको इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए, जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है, तो आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना रहेगा एंजल ब्रोकिंग की। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे एंजल ब्रोकिंग की, तो आपके लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी जिस पर आपको रिज्यूमे अटैच करने का ऑप्शन रहेगा। आप अपना अपडेटेड रिज्यूमे यहाँ पर अटैच करेंगे विद द एक्सपीरियंस, विद द सर्टिफिकेशन और विद द अदर थिंग्स दैट यू हैव डन इन योर ग्रेजुएशन और इन योर मास्टर डिग्री। नेक्स्ट, अगर आपके पास रिज्यूमे नहीं है, अगर आपने कुछ naukri.com पर अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है स्किप एंड अप्लाई, स्किप एंड अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जो भी प्रोफाइल आपने naukri.com पर क्रिएट की होगी, वही प्रोफाइल आपकी HR टीम के पास सबमिट हो जाएगी और वो उसी के बेसिस पे आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो आप जब भी रिज्यूमे को अटैच करेंगे तो बहुत ध्यान से रखेंगे कि आप अपना रिज्यूमे बहुत अप टू डेट रखेंगे, अपडेटेड रिज्यूमे रखेंगे। वो जो स्किल्स आपने रिज्यूमे में मेंशन करनी है, वो ध्यान रहे आपकी जॉब रोल, जॉब वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको इस जॉब वैकेंसी के लिए कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको सारे जॉब लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे।